बारिश होने के साथ लगने वाले जलजमाव से मुक्ति के लिए महानगर में बहने वाले सभी 230 छोटे बड़े नालों की तल्ली झार सफाई अभियान नगर निगम द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। नालों के सफाई अभियान का सोमवार को नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने मोही सुघरपुर वार्ड के शक्ति नगर, फुलवरिया, शिवपुरी, न्यू कॉलोनी, विवेकपुरम, भरवलिया, बुजुर्ग वार्ड के मोहल्लों में बहने वाले नालों का सफाई अभियान का जायजा लिया। इस दौरान फुलवरिया में नालों पर दुकानदारों द्वारा कब्जा किए गए पक्के निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर पोकलैंड मशीन से नालों की सफाई किया गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने स्थानीय लोगों से जलभराव की समस्याओं पर बात करते हुए उनसे नालों पर अवैध निर्माण और कूड़ा कचरा नहीं डालने का अनुरोध किया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, स्थानीय पार्षद चंद्र प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार, सफाई निरीक्षक महेश चंद सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे 70 वार्ड हैं और साथ में जो हमारे 32 गांव इसमें जो शामिल हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में लगातार जो है एक नाला सफाई का ज़बरदस्त अभियान छेड़ा गया है, जिसमें हमारी पोकलेन मशीनें, JCB मशीनें और हमारे मैनुअल जो इतने वर्कर्स हैं वो सभी इसमें लगे हुए हैं और एक साथ चारों जोनों में काम हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नालों की तली झाड़ सफाई कर देना, और जो हमारे पास 230 नाले हैं, जिसमें कि 11 नाले बहुत बड़े हैं, जो 96 नाले हैं वो मझोले हैं, और जो 123 नाले हैं वो छोटी नालियां हैं, इन सबों का एक साथ सफाई करा रहे हैं। एक चरण में हम लोग इसकी सफाई करा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जहाँ पर कि निर्माण हो रखे हैं, पक्के निर्माण हो रखे हैं, लोगों ने नाले को अवरुद्ध कर दिया है, और कुछ जगहों पर तो लंबे समय से उन नालों की सफाई नहीं है। उन सबको ध्यान में रखते हुए लगातार सफाई का काम चलाया जा रहा है। उससे उम्मीद यही है कि हम अपने जो नगर निगम के क्षेत्र में कम से कम क्षेत्र में पानी को लगने दें और वाटर लॉगिंग की कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है।